चंद्रपुर के सुप्रसिद्ध हिंदुस्तान स्टील के मालिक और समाज सेवक और हर दिल अजीज जनाब हबीब दाऊद मेमन को जन्मदिन के तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुभ दिन तक वाजिद खान और नौशीन खान, वसीम खान, तौसिफ खान, शादाब खान, शाहिद खान। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। देश के विभिन्न शहर जैसे चेन्नई, नागपुर आदि स्थानों पर स्थित कंपोस्ट डिपो से जिले के सीमेंट उद्योगों में बिना किसी प्रक्रिया के लाखों टन कचरा पहुंचता है। इस कचरे का इस्तेमाल फैक्ट्रियों के बायलर में ईंधन स्वरूप उपयोग में लाया जा रहा है। सोमवार को जिले में कचरा लेकर पहुंचे ऐसे 25 ट्रकों को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने पकड़ा है। ये कार्यवाही घुग्गुस के ACC सीमेंट उद्योग में की गई। राका के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने सोमवार को सीमेंट को अचानक भेंट दी। तब वहां चेन्नई और नागपुर के कंपोस्ट डिपो से भरकर पहुंचे 2 दर्जन से अधिक ट्रक पाए गए। सीमेंट उद्योगों में बाहर से सड़ा गला कचरा लेकर ट्रक पहुंच रहे हैं। उक्त कचरे को किसी प्रकार से बिना छाने और उस पर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं करते हुए ही बायलर में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पहले ही प्रदूषण के मामले में चिंताजनक स्थिति में पहुंचे जिले में दोबारा प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। ये शिकायत वैद्य समेत दिलीप पित्तलवार, सुरेश पाइकराव, महेश लड्ढा आदि से घुग्गुस पुलिस स्टेशन में की थी। जिले में तेजी से बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। शिकायत के बाद पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों से संपर्क किया। उसके बाद MPCB के उपप्रादेशिक अधिकारी AP सातफले, क्षेत्रीय अधिकारी VD शुक्ला, सहायक पुलिस निरीक्षक संजय सिंह आदि ने शिकायतकर्ताओं के साथ मिलकर ACC सीमेंट को औचक भेंट दी। इस दौरान अधिकारियों ने ट्रकों में भरे कचरे का मुआयना किया और इसे उद्योग के बायलर में इस्तेमाल करने योग्य नहीं होने की और उक्त कचरे पर प्रक्रिया करने के बाद ही इस्तेमाल करने के निर्देश उक्त प्रबंधन को दिए। इस संदर्भ में वैद्य ने कहा कि जिले के उद्योग इस तरह का सड़ा गला दुर्गंध युक्त कचरा बायलर में इस्तेमाल कर अपना काम तो निपटा रहे हैं, लेकिन पहले ही प्रदूषित जिले में प्रदूषण को और बढ़ावा मिल रहा है। जिले में सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से कचरा लाया जाना चिंताजनक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष दिलीप पित्तलवार आणि सुरेश पाइकराव यांनी ACC या यार्ड मध्ये जे वाहन व्यवस्थित त्या यार्ड मध्ये कचऱ्याने भरलेली एक गाडी पकडली होती, जो महानगरपालिकेच्या पूर्ण नागपूर शहरातला कचरा जिथे जमा होतो तो कचरा कुठलीही प्रोसेसिंग न करता, कुठलंही त्याच्यावर सॉर्टिंग न करता तो कचरा ACC फॅक्टरीच्या बॉयलरमध्ये वापरला जात आहे। परवा लगेच तातडीने आम्ही पोलीस विभागाला तक्रारी दिल्या, प्रदूषण विभागाला आज सकाळी आम्ही त्यांच्या कार्यालयात तक्रार देऊन आलो। आत्ता प्रदूषण विभागाचे अधिकारी इथे हे सगळं चेकिंग करायला आले आणि त्यांनी नियमबाजी बाह्यरित्या ह्या पद्धतीचा कचरा बॉयलरमध्ये वापरता येत नाही असं त्यांनी आज ते लिखित परिपत्र देत आहे। मागच्या अनेक वर्षापासून ACC सिमेंट फॅक्टरी ह्या अशा पद्धतीचा घाणेरडा कचरा वापरून चंद्रपूर जिल्ह्यात आणि घुग्गुस परिसरामध्ये प्रचंड प्रदूषण वाढवत आहे। त्याच्याविरुद्ध राष्ट्रवादी आणि आता इथे तमिळनाडूवरून म्हणजे चेन्नईवरून कचरा इथे येतो आहे। जवळपास इथे 20 ट्रक हे चेन्नईवरून कचरा घेऊन आलेले आहे आणि तोसुद्धा तशाच पद्धतीचा घाणेरडा त्या ट्रकजवळ उभं राहता येत नाही अशा पद्धतीचा कचरा इथे आलेला आहे। हा सगळा कचरा परत पाठवण्याचा निर्देश प्रदूषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आत्ताच इथे दिलेला आहे। त्यांनी तसं या आमच्या शिष्टमंडळाला सांगितलं आहे, ते लिखित स्वरूपात ACC देणार आहे आणि यापुढे जर ACC कंपनी जनतेच्या जीवाशी अशा पद्धतीचं, यांच्याकडे कुठलंही प्रोसेसिंग युनिट नाही आहे, ह्या जुन्या कचऱ्यावर घाणेरड्या कचऱ्यावर काही प्रोसेस करून त्याचं शुद्धीकरण करून तो कचरा वापरला गेला पाहिजे, तर तसा न वापरता सरसकट त्या नालीतून आलेला कचरा, मेलेले जनावर, औषधांचे पाकिटं हे सगळे सरसकट भट्टीत टाकतात आहे बॉयलरमध्ये, तर त्याला प्रदूषण विभागानेसुद्धा हरकत घेतलेली आहे आणि याच्या विरुद्ध ACC कंपनीच्या विरुद्ध कठोर कारवाई। आजपर्यंत जे त्यांनी वापर केला आणि आताही ज्यांच्या इथे रेड हँड हे पकडल्या गेलेले आहे याच्याविरुद्ध प्रदूषण विभाग काय कारवाई करतं याच्याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहे। आदरणीय आदित्य ठाकरे या खात्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना या विषयाची आम्ही तक्रार आज करणार आहोत आणि ACC कंपनीवर कठोरात कठोर कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी आम्ही करणार आहोत।